जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास चैनल। एक बार विदेशी पत्रकार भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करने भारत आया। उसे गांधी जी, मोहम्मद जिन्ना एवं डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात के लिए एक रात का समय मिला। जब वह पत्रकार गांधी जी के बंगले पर गया तो उनके नौकरों से यह पता चला कि बापू अभी सो रहे हैं। वह पत्रकार चुपचाप वहां से चला गया और वह मोहम्मद जिन्ना के घर पर गया तो उन्हें भी सोता हुआ पाया और वहां से चला गया। वह बाबा साहब अंबेडकर से मिलने गया और मिलते ही बाबा साहब से उसने प्रश्न पूछे, डॉक्टर अंबेडकर, आप रात के 2 बजे भी मुझे जागते हुए मिले, परंतु मिस्टर गांधी और जिन्ना तो सो रहे हैं। बाबा साहब ने उत्तर दिया, वे सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग चुका है, परंतु मेरा समाज अभी घोर निद्रा में है। यदि मैं भी सो गया तो इसे कौन जगाएगा, इसी कारण मैं 2 बजे रात में भी जग रहा हूँ। फिर क्या था, बाबा साहब और पत्रकार के बीच में काफ़ी देर वार्तालाप हुई। जब पत्रकार जाने लगा तब बाबा साहब ने कहा, समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक, सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है, तब न वह खुद पर अत्याचार सह सकता है और न दूसरों पर अत्याचार होता देख सकता है। इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जय भीम।